जितना लंबा है उतना ही अंदर डीप के अंदर गहरा बना हुआ है, उसको बोलते हैं बैरी साल भुज। बैरी मतलब दुश्मन और साल मतलब सजा। दुश्मन को सजा देने के लिए भुज बनाया गया है। जितना आपको बाहर दिख रहा है उतना का ही उतना अंदर डीप के अंदर गहरा एंड खोखला बना हुआ है। पुराने टाइम में जो भी राज के साथ विश्वासघात करते थे उसके हाथ पर बांध के नमक की बोरी की तरह डाल के ऊपर से जिंदा फेंक देते थे। सर ऊपर से फेंकेंगे मर तो वैसे भी जाएगा, लेकिन सॉल्ट का प्रयोग इसी वजह से होता था ताकि उसकी हड्डी एंड बॉडी ऑटोमेटिक गल जाए, स्मेल ना मारे। तो इसी हिसाब से सबसे बड़ा टावर बनाया गया बैरी साल टावर, है ना। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ। मेरे नाम धर्मेंद्र माली है, प्यास मुझे लोग डीके बोलते हैं, डीके है ना। तो 12 जुलाई 1156 महारावल जैसल देव ने इस किले की नींव रखी थी। राजा का था नाम जैसल और जो किला बना है 250 पर पहाड़ी पर, पहाड़ी को बोलते हैं मेरू संस्कृत लैंग्वेज के अंदर यानी माउंट। तो जैसल प्लस मेरू दोनों को ज्वाइन कर दिया गया और नाम पड़ गया जैसलमेर, है ना सर। इसके आने जाने का एक ही रास्ता है, जहाँ से बनाए दोबारा वहीं से नीचे जाएंगे जी। इसके अलावा कोई भी दूसरा एग्जिट गेट नहीं है। आने जाने का रास्ता एक है, लेकिन किले के अंदर एंट्री करने के लिए 4 गेट बनाए गए। तो सबसे पहले गेट का नाम है अखे प्रोल जी। महारावल अखे सिंह ने बनाया था। यहाँ पे गेट को पोल या फिर प्रोल बोला जाता है, तो बड़े से गेट को यहाँ पे प्रोल बोलते हैं, PROL प्रोल। तो सबसे पहला गेट अखे प्रोल, सेकंड गेट सन गेट, सूर्य गेट, उसको सूर्य गेट इसी वजह से बोलते हैं जिसमें दिन राइस होता है। तो सबसे पहला सूरज की किरण वहाँ पड़ती है तो पूरा कलर गोल्डन हो जाता है, इसी वजह से इस किले को गोल्डन फोर्ट और सिटी को गोल्डन सिटी के नाम से बोला जाता है। जैसे पिंक सिटी जयपुर हो गया, लेक सिटी उदयपुर हो गया, ब्लू सिटी जोधपुर हो गया, उनके ऊपर थोड़ा सा पेंट या पॉलिश किया जाता है तब जाकर सिटी के अंदर कर्नर होता है। ये हमारे नेचुरल ओरिजिनल पत्थर है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि डेजर्ट के अंदर पाया जाता है, तो प्योर गोल्डन सिटी स्वर्णगिरी के नाम से बोला जाता है ना। उसके आगे थर्ड नंबर का गेट आएगा गणेश गेट। अपन लॉर्ड गणेश को सबसे फर्स्ट मानते हैं पूजा के टाइम, इसी हिसाब से उस गेट का नाम रखा गया गणेश गेट। और लास्ट गेट आएगा विंड गेट, हवा प्रोल। चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, उसके नरवाने टाइम चालू रहता है, इसी वजह से उस गेट का नाम रखा गया विंड गेट। ये तो हो गए 4 गेट के नाम। अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो अपन एक गेट के अंदर एंट्री करेंगे, अपन को सेकेंड गेट नहीं दिखेगा, और सेकेंड के अंदर एंट्री करेंगे तीसरा नहीं दिखेगा, और तीसरे के अंदर एंट्री करेंगे चौथा नहीं दिखेगा। जिगजैग की तरह बनाए, सांप की तरह बनाए। क्यों बनाया गया, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर जिसमें अटैक होता था तो सबसे पहले आगे एलिफेंट होता था। एलिफेंट एक गेट को तोड़ेगा, सेकंड के अंदर टन लेगा तो उसका पावर एंड स्पीड खत्म हो जाएगा, तो वो गेट तोड़ नहीं पाएगा। तो इसी वजह से जिगजैग की तरह बनाया गया है ना। दूसरा ये राजस्थान का सेकंड नंबर का लिविंग एंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। लिविंग यानी लोग रहते हैं, ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना किला है। सबसे पुराना किला है अपन के चित्तौड़ के, चित्तौड़ का फोर्ट, उसके अंदर 1000 से 1500 लोग रहते हैं। सेकंड नंबर का गोल्डन फोर्ट देखना है, इसके अंदर 4000 लोग रहते हैं। 4000 पीपल इनसाइड, वो कौन है, 80% ब्राह्मण और 20% राजपूत। ब्राह्मण वो लोग जो उनके सलाहकार एडवाइजर, और राजपूत वो लोग जो उनके लिए वोरे का काम करते थे। वही दो कास्ट के लोग जनेश अंदर रह रहे, उन्हीं दो कास्ट के लोग राजा ने सारे घाट डोनेट कर दिया। राजा अंदर और प्रजा बाहर है, लेकिन हमारे इस किले के अंदर टोटल उल्टा सिस्टम है, प्रजा अंदर हमारे राजा बाहर है ना। अब जो हमारे राजा से 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, उनका नाम है महारावल ब्रजराज सिंह जी। 28 दिसंबर 2020 को उनका देहांत हो गया। उनके देहांत होने के बाद उनके सबसे बड़े लड़के का राज तिलक हुआ, जिनका नाम है महारावल चैतन्य राज सिंह जी। 15 जनवरी 2021 को उनका राज्यभिषेक हुआ, वो अभी 29 के है और अभी तक अनमेरिड हो, किले से बाहर रहते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हनुमान चौरा मंदिर पैलेस बना हुआ है, वहाँ पे राजा का रेसिडेंस। अगर आपने पुरानी मूवी देखी होगी सरफरोश आमिर खान की, उसके अंदर जो मिट्टी सेठ की हवेली दिखाते हैं वही फिलहाल के अंदर राजा का रेसिडेंस है ना। दूसरा जो एक किला बना है, ये बिना पानी बिना चूने बिना मिट्टी का बना हुआ, एक पत्थर दूसरे पत्थर को ज्वाइंट करके बनाएगा, पूरा इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाया गया है। जैसा अगर आपने पजल गेम देखा होगा या फिर खेला होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी का बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज था। आप सोना मांगी चांदी मांगी पीने के लिए आपको घी मिल जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा। तो इसी हिसाब से पूरा इंटरलॉकिंग बनाया गया। इस वजह से इस किले को बनने में 300 साल लगे थे, है ना। ऊपर देखिए आपको गोल गोल टावर दिख रहे हैं, ऐसे पूरे किले के अंदर 99 टावर बनाए गए। तो मारवाड़ी सब के अंदर भुज बोला जाता है। इसमें एक सबसे बेस्ट टावर है वो ये वाला जो आप पेड़ के पीछे देख रहे हो, जहाँ पे ऊपर पिजन एंड कबूतर बैठे है। पत्थर समथिंग लाइक रोलिंग मिसाइल है, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर ज़्यादा हथियार नहीं होते थे तो इन पत्थरों को युद्ध के लिए काम आते थे। जैसे कोई सैनिक चढ़ेगा अटैक के लिए तो पत्थर को दुश्मन ऊपर फेंके जाते थे। जैसे अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी उसमें इस टाइप के पत्थर का प्रयोग किया गया। और उसके नीचे देखो बड़े बड़े होल बनाए गए, इसके अंदर गर्म तेल और गर्म पानी, और इस रोड के ऊपर भी गर्म तेल गर्म पानी। जैसे कोई सैनिक चढ़ेगा अनबैलेंस हो जाएगा, ऊपर से पत्थरों का स्वागत है ना, उसी हिसाब पूरा बनाया गया। और ये रामदेव बाबा का टेम्पल है, यहाँ से हमारे राजस्थान के अंदर रामदेव बाबा सबसे उनको ज़्यादा मानते, तो यहाँ से 120 किलोमीटर दूर एक रामदेव जिला है, वहाँ पे उनका बड़ा मंदिर बनाया गया। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है रामदेव बाबा का,
सामने आपको येलो कलर का गेट दिख रहा है जो ओपन है, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, वो पुराने टाइम का सेंट्रल जेल है। उसके बाद इसको स्कूल बना दिया गया और अभी इसको एक गवर्नमेंट का ऑफिस बनाया हुआ है ना, तो वही है। और अभी अपन अंदर किला विजिट करेंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि अपन किला अंदर विजिट नहीं करें या अंदर कोई मार्केट या फिर गांव विजिट करें, क्योंकि जो 99 टावर है ब्राह्मण राजपूतों के द्वारा खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अंदर होटल्स रेस्टोरेंट्स हैंडीक्राफ्ट की दुकानें वगैरह सब कुछ बना दिया गया ताकि उनका 2 रुपये का इनकम चालू हो जाए। और अभी भी जो किला है ये गवर्नमेंट के अंदर लेना देना नहीं है, राजा का खुद का निजी पर्सनल प्रॉपर्टीज है। देखिए मैडम ऐसा फोटो वगैरह बन रही है, राजस्थानी ड्रेस पहन करके देखिए। अब इनका नाम हरिराम जी है। अभी सेकंड गेट है सन गेट, सूर्य गेट, उसको सूर्य गेट के अलावा इसको तोरण गेट के नाम से बोला जाता है। ऊपर देखो लकड़ी का तोरण लगा, कभी हमारे राजाओं की शादी होती है तब ऐसा लकड़ी का तोरण लगाते हैं। देखो बीच में तोरण का संबल भी बनाया गया और बीच में गोल गोल सूर्य का संबल बनाया गया, साथ में दो लेडीज का संबल बनाया गया। इसको तोरण गेट के अलावा इसको वेलकम गेट के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे घर के अंदर जो मेहमान आते हैं तो लेडीज वेलकम करती है। इस हिसाब से इसके 3 नाम है, सन गेट, तोरण गेट एंड वेलकम गेट। और एक सॉन्ग सुनाऊंगा, जांजिरिया तेरी छनक गई चुनरी तो पहले प्यार की पहली किस्म, वो सॉन्ग यहाँ से स्टार्ट होता है, सुनील शेट्टी यहाँ पे खड़े थे और मूवी का नाम था कृष्णा, सुनील शेट्टी एंड करिश्मा कपूर है ना। अब आज यही थोड़ा आगे धीरे धीरे चलेंगे। गेट नंबर 3 गणेश गेट, और ऐसे रियल में नंबर 1 गेट बना था क्योंकि अपन लॉर्ड गणेश को सबसे पहले मानते हैं, उस हिसाब से गेट नंबर 1 है और ऐसे गेट नंबर 3 कहला था। ऊपर देखो गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है और अभी अपन तीसरे गेट पर खड़े हैं, ना तो सेकंड दिख रहे ना तो चौथा, जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जिगजैग की तरह बनाए गए है ना। आ जाइए, लास्ट गेट है विंड गेट, हवा परोल। इसको हवा परोल इसी वजह से बोला जाता है, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, इस गेट के अंदर एनी टाइम हवा आती रहेगी, इसी तरह जिसको विंड गेट के नाम से बोला जाता है। जैसा मेरे एक डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे जुलाई मंथ के अंदर आराम से 45 या फिर 50 के आसपास टेम्परेचर हो जाता है, चला जाता है, कभी भी इस गेट के अंदर एकदम ठंडी हवा आती है, इसी वजह से आपको विंड गेट के नाम से बोला जाता है। ऊपर आप ये बालकनी देख रहे हो ऊपर झरोखा, इसको बोलते हैं रन भेरी, रन को भेदना पुराने टाइम के अंदर इसके अंदर बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजा के सबको सूचना देते थे ताकि सारे जैसे मेरे को सुनाई दे तो समथिंग लाइक मैसेंजर विंडो है ये।
हेलो योर कैब मोस्ट वेलकम। अभी अपन ने चार गेट के क्रॉस करने के बाद अभी अपन ने किले के अंदर एंट्री कर ली। इसको दशहरे चौक के नाम से बोला जाता है। अपन किसी भी गली में से जाएंगे अपन वापस यहीं पर ही आएंगे, चाहे आप इस गली में से जाए चाहे बैक साइड से जाए, टर्निंग पॉइंट है। और जो भी ऑटो वगैरह आता है यहीं तक ही आता है। आगे फिर सारे रास्ते छोटी छोटी गलियों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अपन आगे पैदल ही चलना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, है ना।